अम्मी क्या हुआ, लाइट क्यों ऑफ की थी आपने? सलाम अलैकुम साबित, कैसी है? वालेकुम सलाम। अरे आपको तो तेज बुखार हो रहा है। नहीं वो तो नहीं, बुखार तो पहले से कम है, नकाहत बहुत ज्यादा। कहाँ है सब, तहनियत कहाँ है? तहनियत तो अपने मैके गई है और स्लान कमरे में। आपको इस हाल में छोड़ के ऐसे कैसे चली गई? तबीयत नहीं पूछी उसने आपकी? अरे बेटा, दोहरी जिम्मेदारियां घर की और बाहर की, जब औरत के सर पे पड़ जाए तो वो घबरा जाती है। चली गई बस। अम्मी, तहनियत ने अपनी मर्जी और खुशी से काम करना शुरू किया है, अब ये सारी चीजें तो मैनेज करनी ही होंगी ना उसे। चलिए खैर, आप चले मेरे साथ में, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं नहीं डॉक्टर के पास क्या, मैं दवा खा रही हूँ दी, अभी असलान को खाना वाना देना है, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तहनियत को लेके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। आप रेस्ट करें। चलो भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया, अब आप लोग बताइए क्या क्या खाएंगे। क्या खाएंगे आप? मैंने तो साजिद को बता दिया, अब तुम बताओ क्या खाना। तहनियत कहाँ हूँ? वो मैं मामा और बाबा के साथ शॉपिंग पे आई थी, तो अभी बस कुछ खाने के लिए बैठे हूँ। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? घर आओ फौरन। क्या हुआ मुझे साहब, सब ठीक तो है? तहनियत, अम्मी को तेज बुखार है, असलान ने खाना नहीं खाया, तुम्हारा वेट कर रहा है। तुमको जाना ही था तो किसी को इन्फॉर्म करके जाती ना। एक्चुअली मुर्तजा, हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन एवल को मामा बाबा से मिलवाने लाई थी तो एकदम से बन गया। खैर आप परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। क्या हुआ, खैरियत? मेरा ख्याल है चलते हैं। हाँ फिर कभी आ जाएंगे। चलिए हाँ हाँ चलो आज आ जाए।